ये जहांगीरपुर में है, जहांगीरपुर में आए हुए हैं और यहाँ की भी सेम समस्या है। सीवरेज ब्लॉक पड़े हुए हैं, नालियों पे भरी पड़ी हैं, कूड़े ढेर लग रहे हैं और मीठा पानी पर्याप्त रूप से नहीं आता पीने का। जाम की समस्या बरकरार है जैसी होती है, पार्किंग अवैध पार्किंग है बाहर सड़कों पर, तो वही मेजर समस्या है जो हम बुराड़ी से देखते हुए वही समस्या है निकल के आ रही है। चुनाव से पहले उद्घाटन कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए हवाई बातें कर रहे हैं, आज 5 साल पहले जब उनको 5 साल कार्यकाल हो चुका उनका, तो लास्ट के महीने में क्या कर रहे, 59 महीने क्या कर रहे थे भाई, 59 महीने तक क्या करते रहे? अगर 60वें महीने में कुछ करना है तो उनको तो लास्ट के महीने में क्या कर लेंगे एकदम से? बुराड़ी विधानसभा को नहीं बदल सकते वो। सबसे पहला जो वादा लेके आए थे आज वो उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, वाईफाई था। अरे वाईफाई जगह रोजगार दो ना आप लोगों को, रोजगार तो दे ही नहीं रही है, वाईफाई दे क्या करेंगे? जो बेरोजगार है उससे कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसी में लगे रहेंगे, रोजगार मांगेंगे नहीं वो, पेट को रोटी दो उनकी, रोजगार चाहिए। अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्या देना चाहते हैं? सर ये जितने भी मैंने वादे दिखाए हैं ये इनको सबको पूरा करूंगा मैं। और जो अभी हाल फिलहाल की जो भी समस्याएं हैं, कितना समर्थन करते हैं ये? इनका तो हमारा पूरा समर्थन है कि हमारे मोहल्ले पड़ोस में आप अगर ये काम हमारे करते हैं हम बिल्कुल सहयोग देंगे इनको, पूरा सहयोग है हमारा, ठीक है साहब। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो परेशानियां हैं, ये ऐसे लोग ये खुद बोलें और इस बात का एजेंडा उठाएं कि हमारी आवाम जो है जो परेशान हो रही है उसको शांत करें। अभी ये पब्लिक इतनी परेशान है जो अब ये सब कुछ आपने देखा है, अभी मीडिया भी दिखा रही है और सब दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बात को बोलने नहीं दिया जा रहा। आज शुक्रवार है और शुक्रवार वाले दिन आज जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई इकट्ठे होंगे वहीं वहीं पर कर्फ्यू लगा होगा, वहीं पर पुलिस बैठी होगी, क्योंकि हम सुकून से अपनी इबादत भी नहीं कर पा रहे हैं और ना हमको करने दिया।